तुम सब थे ना मर्द, लेकिन ये हादसा, ये घटना नहीं हुई होती ना तो तुम्हारी सात पुश्तें भी पता नहीं कर पाती मन्नू और प्रीत के बीच का फर्क। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जिस माँ बेटी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी तुम लोगों की सेवा करने में, तुम लोगों को इंसाफ दिलवाने में, उसके साथ ऐसी हरकत करते हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सारे फैसले लड़के ने नहीं लड़की ने लिए हैं। अगर है हिम्मत तो बदल दो वो सारे फैसले जो मैंने लिए थे। मंगरू, हे मंगरू, जा दे अपने सारे खेत अपने भाई को, जा दे। और तू लल्लन, बेटी की शादी कराई थी ना तूने बिना दहेज के, जा बेचा अपने खेत और दे दे अपनी जमीन वमीन सारा दहेज में अपने समधियों को। ये फैसले सही लगे क्योंकि उसमें सहूलियत तुम्हारी थी। अब हम फैसले नहीं ले पाएंगे और इसमें भी सहूलियत तुम्हारी ही है। पर जो भी है, एक लड़की कभी शान नहीं बन सकती। अरे तुम मुझे क्या बताओगे कि मैं शाह बन सकती हूं या नहीं? मैं खुद इनकार करती हूं तुम जैसे लोगों का शाह बनने से। नहीं बैठना शाह की कुर्सी पर। जगन चाचा बनेंगे तुम लोगों के नए शाह, पवनियों के शाह। सरपंच जी, मैंने झूठ बोला। 18 साल आप सबको धोखे में मैंने रखा। मनु है नहीं, आप लोगों को सजा दे रही है ना, तो आप लोग मुझे दीजिए, मेरे बच्चे को नहीं। जूतों का हार पहनाना है तो पहनाइए, काले पोती जी मौत के घाट उतार दीजिए, लेकिन गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है। मैंने झूठ बोल के उसे शाह बनाया, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की, तो जिसकी गलती उसकी सजा तो सजा सिर्फ अम्मा पवनिया को मिलनी चाहिए। मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। आप लोग सरपंच हैं, आप लोग गलत फैसला नहीं ले सकते। आप लोगों के हाथ छोड़, मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसे कुछ नहीं किया। छोड़ती हूँ मैं, बात करो मेरी बेटी। नहीं मम्मी, आप ऐसे नहीं छूट सकती। आप गुरूर हैं हम सबका, हिम्मत है हम सबकी आपसे। नहीं, बहुत झेला है तुमने बचपन से, मैंने तुझे लड़का बना के रखा, लेकिन तूने कभी उठ तक नहीं की। बहुत सहा है मनु, आज मेरी बारी है। जो कुछ भी हुआ सब मेरी गलती है, तो जिसकी गलती है उसी को सजा मिलनी चाहिए। मम्मी, आज तक आपने मुझे सजा दिया नहीं दी मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी नजरों के सामने कोई भी आपको कुछ
भी कहे या कुछ भी करे, इससे बड़ी सजा रब जी मुझे नहीं दे सकते। इस पिंड से बाहर निकाल दिया जाए। वो अब इस गांव से बाहर रहेगी और इस पिंड से हुक्का पानी बंद किया जाता है। यहां तक कि प्रीत अब कभी भी अपने घर में कदम नहीं रख सकेगी और ना ही किसी से संपर्क कर सकती है। मंजूर है। लेकिन मेरी एक शर्त है। राज ने आपको किया था ना, वो आज पूरा कर रहा हूं मैं। पापा ने बाहें खोल के मुझे अपना लिया है। हम दोनों को स्वीकार किया है मां, हमारा घर, हम अपने घर वापस आए हैं मां। अब हम यहां से कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। नहीं जानती आपके आने से हमें कितना अच्छा लगा। आप आ गई तो मानो इस घर में जान आ गई है। सच, अब लग रहा है कि परिवार पूरा हो गया है। क्या हुआ दीदी, आप इतनी चुप क्यों हैं? चुप नहीं, खुशी के मारे फूले नहीं समा रही शायद। आखिर मेरे बेटे ने ऐसा काम किया है कि दुनिया में किसी भी माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। रब दी सौ अमृत, और जो परवरिश तूने राज की है ना, वो दिल खुश कर दिया मेरा। काम? क्या काम किया है तूने? क्या आपको नहीं पता चला? अरे हमारे राज ने तो वो कर दिया जो इतने सालों से कोई नहीं कर पाया। वो तेरे बेटे ने पवन की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आ जा मेरे शेर, आ जा। वो इसकी वजह से वो साले पवन ही है अपना मुंह छुपा कर घूम रहे हैं।